हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। आज है 23 नवंबर 2019। तो इस आज मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज रैंकिंग इन WHO स्टडी ऑन फिजिकल एक्टिविटी अमंग एडोलेसेंट। तो पहले इसमें दो तीन चीज़ें समझ लेते हैं कि ये WHO क्या है। WHO के बारे में आप लोग देखेंगे कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये करता क्या है, ये जो हेल्थ रिलेटेड जितने भी इशू हैं वर्ल्ड में जो भी करंट में चल रहे हैं उनको हाईलाइट करता है और उनके लिए जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि कहीं पे एक गैप चल रहा है हेल्थ के, यूनिवर्सल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर इंसान को एक बेसिक ज़रूरतें मिलनी चाहिए जो हेल्थ से रिलेटेड है, उनमें अगर कोई ग्लिच चल रहा है या फिर वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, तो उन सबको हाईलाइट करता है डिफरेंट जो रिपोर्ट्स के थ्रू। तो बेसिकली एक वॉच डॉग टाइप से भी काम करता है। बेसिक इसका काम है कि जो जितने भी डिजीज़ वगैरह हैं उन सब पे स्टडी करना और उनके बारे में आगाह करना कि ये चीज़ें हो सकती हैं या फिर डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स के तहत। ओके, इसमें एक स्टडी की है जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी अमंग द एडोलेसेंट, मतलब कि जो किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था आप जनरल टर्म्स में ऐसे ले लीजिए 13 to 19 या 20, इस एज को, ठीक है। इस एज में जो यूथ होता है वो एक्सरसाइज कितना, फिजिकल एक्टिविटी कितना करते हैं, उस पर बेसिकली उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई है। तो उसमें पता चला है कि जो इंडिया है, इंडिया में जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा लेजी है। WHO के द्वारा बताया गया है कि हर इंसान को 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, और ऐसा एक स्टडी में पाया गया है कि इंडियंस और चाइनीज़ प्लस USA, इन कंट्रीज़ में ये बुरा हाल है, इनमें बहुत कम लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या किया है कि इनएफिशिएंट कंट्रीज़ को जो रैंकिंग है उसमें ऊपर रखा गया है और जो एफिशिएंट कंट्रीज हैं उनको ऊपर नीचे रखा गया। तो इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो इंडिया का तो इनएफिशिएंट वाले में ज़्यादा जाता है, तो इंडिया इज 8th। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप वन गमन पाथ प्लान। तो ये वन गमन है क्या? एक रामायण एक बुक है, इसमें लॉर्ड रामा के बारे में बताया गया है, उनकी कहानी है कि वो घर से अयोध्या से वन की तरफ गए थे। ओके, तो जो ये रास्ता पड़ा था, इस रास्ते में उन्होंने बहुत सारे जो प्लेसेस हैं उन्हें क्रॉस किया था, प्लस जहाँ पे रहे थे उन प्लेसेस के बारे में ऐसा बोला जाता है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ऐसे उनके पास एविडेंसेस हैं और प्लस प्रूफ है जिनके बेसिस पर वो बोलते हैं कि अधिकतर टाइम जो लॉर्ड रामा ने जो बिताया था वो छत्तीसगढ़ में बिताया था, छत्तीसगढ़ के जंगलों में, ठीक है। ये चीज़ हुई तो देन फिर वहाँ पे जो प्लेसेस हैं उनको टूरिस्ट स्पॉट पे बदलने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए ये वाला जो सर्किट है वो बनाया जा रहा है। उसमें बहुत सारी साइट्स होंगी, 8 शायद पॉइंट हैं टोटल जिनको के टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा और इनको कनेक्ट किया जाएगा बेसिकली टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए। तो ये स्टेट है कौन सा जिस सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, वो लिया छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। तो 36 ऑप्शन बी। तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? आप एक चीज़ ये ऑप्शंस में बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, ये दोनों चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बतानी, ठीक। अब इस उसको देख लेते हैं पूरा जो मार्ग है, गमन मार्ग, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। अब इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में ये मैंने थोड़ा तिरछा बना दिया, मैं सीधा बना देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे आप ऐसे करके, तो ये वाला रीजन है दिस इज छत्तीसगढ़, यहाँ पे पड़ेगा झारखंड, पड़ेगा इसके बाद फिर झारखंड। एक्चुअली जो एमपी वाला रीजन है ना, एमपी वाले जो ईस्टर्न पोर्शन है उसे काट के बनाया गया ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नया स्टेट बना था उनके साथ, किसके साथ, जब यूके मतलब उत्तराखंड बना था और छत्तीसगढ़, ये दोनों स्टेट साथ साथ बने थे। तो ये वाला स्टेट है छत्तीसगढ़, और जो झारखंड है वो कहाँ से बना था, झारखंड को बनाया था बिहार में से काट के। ओके, तो छत्तीसगढ़ के ऊपर वाला जो यहाँ से स्टार्ट देखेंगे आप,
तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये बेसिकली वो सर्किट है जहाँ पे ऐसा उन्होंने माना है कि भगवान राम यहाँ पे मूव किए थे। तो यहाँ पे जो साइट्स हैं उनको उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसीलिए इस वाले सर्किट का नाम हो रहा है, तो इसलिए ये बनाया जा रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन थर्ड। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? तो इंडियन वेटरनरी पशु चिकित्सा का जो अनुसंधान संस्थान है वो किस जगह पे स्थित है, ये क्वेश्चन है पूछा गया है। तो ये है बरेली, एक जगह है यूपी में, और बरेली में भी आप स्पेसिफिक हो तो इज्जत नगर। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यूपी के बारे में आपको पता है यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ देखेंगे आप मैप में कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है, और उत्तर प्रदेश के जस्ट आप वेस्ट साइड में देखेंगे ये दिल्ली है जो इंडिया की कैपिटल है, फिर ये हरियाणा HR हो जाएगा, एंड देन ये वाला रीजन देख रहे हैं यहाँ पे, ये है बरेली डिस्ट्रिक्ट। इसमें कौन सी जगह है? इज्जत नगर। क्वेश्चन 4 है हमारा, बटुलिज्म रोग निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण होता है? बेसिकली आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि जो सांभर लेक है जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो रातों रात डेथ हो गई उनकी। अब ये पता नहीं चला कि ये किस वजह से हुआ, बाद में जब बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस समय भाग लिया और पता लगाया तो पता चला कि ये वाला जो डिजीज है जिसको बोलते हैं बॉटुलिज्म, ये कि इसकी वजह से ये सब हुआ है। अब ये जो डिजीज है, पहले तो ये जान लें इसके पैथोजन कौन है, पैथोजन मतलब किस टाइप का जो पैथोजन है वो काम कर रहा है यहाँ पे, बैक्टीरिया या फिर वायरस है या फिर। तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये बैक्टीरिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्लोसिडियम बोटुलिज्म। ये याद कैसे करना है आपको, देखो इसमें ऑप्शंस में देखिए आप, देन द फर्स्ट वाला है H5N1, ये तो एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस है जो कि वायरस है ऑलरेडी, तो वायरस तो बैक्टीरिया कोई मैच नहीं, तो ये तो ऑप्शन अपने आप हट जाता है। इसको देखेंगे विब्रियो कॉलरी, ये कॉलरा डिजीज के लिए है, और ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये किस लिए है? ये लेप्रोसी एक डिजीज होता है, ठीक है, उसके लिए होता है। तो ये वाला ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इस डिजीज में बेसिकली क्या हो जाता है, जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, जैसे बॉडी है पूरी, तो उसके जो पेरिफेरी मतलब बॉडी के बाहर वाली साइड पे जितने भी नर्व्स हैं वो सब पैरालाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पैरालिसिस जैसी कंडीशन में आ जाती है, और फिर जो बाहर जो कंट्रोल करती हैं उन अंग्स को, जो वो वाली नर्व्स, वो सब ऐसे ढीले हो जाते हैं और सही से होल्ड नहीं कर पाती जो पक्षी हैं उस अपने बॉडी पार्ट को। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि जो इसका ये गर्दन है वो नीचे झुक गई है, ऐसे इसके जो पंख हैं वो पूरी तरह वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रही है उड़ने का, तो इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं, देन फूड नहीं होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो क्वेश्चन 5 है, टूरिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज अराइव द मोस्ट इन इंडिया इन 2018? तो 2018 में भारत में किस देश के पर्यटक सबसे अधिक आए हैं? तो ये एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें कौन से कंट्री के जो टूरिस्ट हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा आए हैं, तो वो आए हैं बांग्लादेश के, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। और बांग्लादेश कहाँ पर है, आप बांग्लादेश कंट्री का देख सकते हैं, ये यहाँ पे बंगाल है, बंगाल के जस्ट इधर साइड जाएंगे तो ये है एक कंट्री जिसका नाम है बांग्लादेश, कैपिटल है इसकी ढाका, और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, शेख हसीना। और अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहला पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, कहाँ पर? ईडन गार्डन में। ईडन गार्डन कहाँ पर है? यह है कोलकाता में, और कोलकाता कैपिटल किसकी है? वेस्ट बंगाल की। तो ये पार्टीशन से पहले एक पूरा बंगाल था, इसका ये ऐसे इसको काट दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया, तो ये वाला ईस्ट पोर्शन हुआ, ये वाला वेस्ट पोर्शन हुआ, तो वेस्ट वाला इंडिया के पास था, ईस्टर्न वाला पाकिस्तान के पास गया। अभी पाकिस्तान से फिर 1971 में
जो वॉर हुआ उसके बाद उसे आज़ाद करा के उसका नाम रख दिया गया बांग्लादेश। तो इसमें मुक्ति वाहिनी सेना एक बनी थी मुक्ति वाहिनी की हेल्प से। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान जो कि इनके फादर हैं, किसके, शेख हसीना के फादर हैं, उन्होंने इंडिया की हेल्प की थी। तो जो क्वेश्चन 5 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब इसमें पूरा आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल का इसमें पूरा एनालिसिस दिया हुआ है कि इंडिया में जो टूरिस्ट आए हैं उसमें बांग्लादेश, देखिए हर साल जो टूरिस्ट हैं उनके बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर 21 लाख के आसपास थे, इस साल 22.5 लाख हो गया। देन फिर यहाँ पे देखेंगे यूएसए भी इंडिया में सिटीजन हैं, यहाँ से कैसे आ रहे हैं, क्योंकि डायस्पोरा इंडिया का रहता है, ध्यान रखना, जो कि वहाँ बस गए थे देन फिर इंडिया आते हैं वो घूमने के लिए, देन इसकी वजह से यहाँ टूरिज्म बढ़ता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो बिजनेस हाउसेस हैं उनमें काम करते हैं जो लोग NRI, फिर कुछ टाइम बाद वो वहीं रहने लग जाते हैं देन फिर इंडिया आते रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ का इन्फ्लक्स ज़्यादा है यूके और इसका। श्रीलंका में तमिल्स हैं, तो तमिल फैमिली अभी भी तमिलनाडु में है। और कनाडा का आप बताएं, पंजाब से रिलेक्स, वहाँ पे पंजाबी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अट्रैक्टेड द मोस्ट नंबर ऑफ फॉरेनर टूरिस्ट इन 2018। तो ये था कंट्री के बारे में कि कौन सी कंट्री से लोगों ने विजिट किया था इंडिया में। अब इसमें कि कौन सा जो स्टेट है उसमें लोग आए हैं, और फॉरेन की बात की जा रही है, इंडियंस की नहीं बात की जा रही। तो इसमें सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। और तमिलनाडु कहाँ पर है, ये इंडिया का मैप देखेंगे तो ये वाला, ये दिस इज TN तमिलनाडु। अभी यहाँ पे सरकार किसकी है, AIDMK की। ओके, तो आप इसमें लिस्ट में देख पाएंगे कि जो स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स विजिट किए हैं, तो इसमें हैं, 2018 का है ये, ध्यान रखना। तो इसमें तमिलनाडु सबसे ऊपर है, देन महाराष्ट्र है, देन उत्तर प्रदेश, देन दिल्ली एंड राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7 है, विधायक रमेश चिन्नम नेनी किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, मतलब कि एक विधायक हैं MLA, MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो वहाँ की विधानसभा होती है एक राज्य की, उसके वो मेंबर हैं, पहली चीज़। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि इनका नाम है रमेश चिन्नम नैनी। इनके साथ क्या हुआ है कि इनके जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप तो बहुत सारे MLA की जाती रहती है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो MLA उसकी सिटीजनशिप चली गई। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि इनकी सिटीजनशिप रद्द कर दी है होम मिनिस्ट्री ने। अब ऐसा क्यों हुआ है, ये पहले वर्क करते थे जर्मनी में, अब जर्मनी में वर्क करते थे, उसके बाद ये इंडिया आए, इंडिया में आए, और जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके हिसाब से होता है कि कोई भी अगर OCI होल्डर है, या फिर PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना पड़ता है, लेना चाहता है, तो उसे 12 महीने लगातार इंडिया में रहना पड़ेगा। तो 12 मंथ्स की उसमें स्टे था। तो इन्होंने क्या किया, जब सिटीजनशिप ली उससे पहले इन्होंने इंडिया में रहे 12 महीने, लेकिन बीच बीच में विदेश जाते रहते, जो कि वॉयलेशन माना गया है उस रूल का। कौन से वाले रूल का, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है जिसका 1955 वाला, उसमें कुछ रूल्स बनाए गए, गाइडलाइंस, उसका रूल। इसलिए इनकी जो सिटीजनशिप है उसको फ्रॉड घोषित कर दिया गया है और इनसे सिटीजनशिप छोड़ ली गई। अब इसके लिए ये हाई कोर्ट जाएंगे, देन उसके बाद फिर आगे जाएंगे, देन ये केस चलता रहेगा, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया में ऐसा कि किसी MLA की मेंबरशिप चली गई हो, सिटीजनशिप ही चली गई हो। तो इसमें पूछा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, तो ये है TRS, एक पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, KCR का नाम सुना होगा आपने, जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, उनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और बाकी पार्टीज कौन सी हैं, एक तो TDP है, तेलुगु देशम पार्टी, ये चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, जो कि आंध्र प्रदेश में इनका वर्चस्व था। अब XCM है, जो कि अभी दूसरे CM है जगमोहन रेड्डी। अब जो तीसरी वाली पार्टी यहाँ पर देखेंगे कि DMK और AIDMK, AIDMK किसकी पार्टी है, ये जयललिता वाली पार्टी है, और ये वाली पार्टी ये वाली DMK ये करुणा निधि वाली पार्टी है। दोनों की लास्ट ईयर डेथ हो गई, करुणा निधि की और जयललिता की। आपको याद के रखना है ये विधायक किस पार्टी से हैं, तो ये हैं ऑप्शन बी TRS से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th एडिशन ऑफ एग्रो विजन एंड एग्रो बेस्ड एग्जीबिशन,
विल बी हेल्ड इन विच सिटी, तो कौन सा सिटी है जिसमें कि एग्रोविजन करके जो एग्जीबिशन होने वाला है वो आयोजित किया जाएगा। तो पहले इसे समझते हैं कि है क्या चीज़ है एग्रोविजन। एग्रो से आपको समझ में आ गया हो, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये चीज़। अब एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का एक स्टेटस हमको पता होना चाहिए कंट्री का, कि 17 to 18% जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर, लेकिन जो वर्कफोर्स है वो 60% इंडिया की वर्कफोर्स इसी में लगी हुई है एग्रीकल्चर में। तो कितना इनएफिशेंट और बर्डन है एक तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर, कितने सारे लोग उसमें लगे हुए हैं जो कि उनके बिना भी काम चल सकता है। पहला फैक्ट ये याद रखना है। दूसरा क्या है, इसमें पोटेंशियल है, इसलिए क्या किया जा रहा है कि उसमें कितने मॉडिफिकेशंस किए जाएँ। लेट्स से कि विदर्भा रीजन है, विदर्भा रीजन में ड्रॉट बहुत बड़े लेवल पर होती है। जो विदर्भा रीजन है ये पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में बेसिकली जो नागपुर वाली साइड है, क्योंकि वो सेंटर में पड़ता है। आप देखेंगे ऐसे इंडिया का मैप, देन ये वाला महाराष्ट्र है, लेट्स से ये वाला महाराष्ट्र है, तो ये वाला रीजन है जो, तो ये जो लैंड के पोर्शन के बीच में पड़ता है, इसलिए यहाँ से जो बारिश की वो जाती है, हवाएं जाती हैं, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे सूखा पड़ता है बहुत ज़्यादा। और फार्मर्स के सोसाइटी के केस हैं वो इसी रीजन से बेसिकली लोगों के द्वारा सुने जाते हैं, न्यूज़पेपर्स में जो आते हैं। तो ये तो एक स्टेटस है। और इसमें क्या होगा कि इसे इम्प्रूव करने के लिए जो भी एक्सपर्ट वगैरह हैं उन सब से एक अपने अपने मॉडल्स भी दिखा सकते हैं कि ये इस तरीके से टैकल किया जा सकता है इस वाली सिचुएशन को। तो ये वाला एग्जीबिशन होने वाला है, तो ये 11th edition है, ये याद रखना है। और अब किसी सिटी में हो रहा है, ये हो रहा है नागपुर सिटी में ही हो रहा है। तो नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और ये ध्यान रखना कि ये महाराष्ट्र स्टेट की दो कैपिटल हैं, एक मुंबई है और दूसरी नागपुर है। ये इंडिया का मैप है, इसमें देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द रीजन, आपको दिख रहा होगा कि लैंड लॉक्ड है ये रीजन, यहाँ पे आसपास वाला रीजन, तो यहाँ पे विदर्भा रीजन पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रॉट से प्रभावित रहता है। तो यहाँ पे न्यूज़ में रहता है कॉटन की खेती होती है इधर, और वो पेस्टिसाइड वाला इशू आपको पता ही होगा कि पेस्टिसाइड आया, देन उसकी वजह से जो आर्मी वगैरह जो एक वो था पेस्ट था, उसने बुरी तरह ने किया, उसकी वजह से बीटी कॉटन इंडिया को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। वो पूरी कहानी आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन 9 है, 4 डे 4 दिवसीय अलमी तबलीगी इज्जतमा दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक संगम किस स्थान पर शुरू होने वाला है। बेसिकली इसमें पूछा गया है कि ये एक संस्था का नाम है जिसका नाम है अलमी तबलीगी इज्जतमा। तो ये जो संस्था है, इसको जो भोपाल के नवाब थे उन्होंने 1944 में बनाया था। पर एक ये एक तरीके से एक बैठक हुआ करती थी जिसमें लोग आया करते थे और बैठ के अपनी बातचीत किया करते थे, किसके बारे में, इस्लामिक रिलीजन के बारे में, कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बहुत बड़ी संस्था बन गई और आज ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में इसका इन्फ्लुएंस है। तो इसकी जो मीटिंग्स हैं, इसके जो अधिवेशन होते हैं, उनको पूरे वर्ल्ड के जो भी इस्लामिक लीडर्स हैं या फिर रिलीजियस लीडर्स हैं वो सब आते हैं, फिर उसमें वहाँ चर्चाएँ होती हैं कि क्या करना चाहिए इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। तो इस्लाम से रिलेटेड है, पहले तो ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब हो कहाँ रहा है, ये भोपाल में ही हो रहा है, जो कि मैंने जिक्र किया था कि भोपाल के नवाब ने इसे स्टार्ट किया था 1944 में, तो आज़ादी से पहले से चल रहा है ये। तो ऑप्शन बी देखेंगे, उसमें भोपाल दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब भोपाल कहाँ पर है, ये एमपी में है, एमपी की कैपिटल है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। अभी इनके सीएम कौन है, ये हैं कमलनाथ, और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस मतलब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभी प्रेसिडेंट कौन है, वो हैं सोनिया गांधी। ये ध्यान रखना राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी ने रिजाइन कर दिया है, ओके। तो ये इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ब्लैक वाला रीजन है, ये ब्लैक वाला, ये है भोपाल। टेंथ है, 3 दिवसीय वैश्विक बौद्ध सम्मेलन किस स्थान पर शुरू हुआ है। तो ये अभी मैं जिक्र कर रहा था इस्लामिक रिलीजन की, यहाँ पे बौद्ध रिलीजन की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये रिलीजन कब स्टार्ट हुआ, ये 4th BC के अराउंड ये जो रिलीजन एग्जिस्टेंस में आया, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब 0 से पहले वाला जो वो था टाइम फ्रेम था उसमें।
ये भगवान बुद्ध की वजह से स्टार्ट हुआ, उनकी पूरी कहानी आप लोगों को पूरा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप देखें उन्होंने उपदेश दिए और उन उपदेशों की बेसिस पे एक रिलीजन की स्थापना हुई जिसको बुद्ध धर्म बोला जाता है, जिसको बहुत बेसिकली धर्म बोला जाता है। बाद में ये बाइफरकेट हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका आज भी एक बड़ा तबका इसे फॉलो करता है। आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में पूरा फॉलो करते हैं इसे। अभी आपको पता है कि श्रीलंका में इलेक्शंस हुए थे, तो वहाँ पर जो सिंहली है, जो वहाँ की मेजोरिटी हैं, वहाँ के निवासी, वो बुद्धिस्ट हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ने पूछा है कि इसका जो सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है औरंगाबाद, एक जगह है जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है वहाँ पर। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आप इंडिया का मैप देखेंगे तो देन ये वाले सिटीज आप देख पा रहे होंगे, ये मुंबई है, ये बारामती है, दिस इज पुणे एंड दिस इज औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इद्रिस एल्बा स्पीसी ऑफ वास्प रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो एक वास्प की एक स्पीसीज है, उसे अभी डिस्कवर किया गया है, तो वो किस कंट्री में किया गया, ये क्वेश्चन है पूछा गया है। तो वो कंट्री है मैक्सिको, और मैक्सिको कहाँ पर है, ये पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। आप मैप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप वर्ल्ड मैप देखिए तो ये वाला रीजन, दिस इज़ कनाडा वाला रीजन, ये वाला यूएसए हो गया, इसके जस्ट नीचे जो ये रेड कलर का हो रहा है दिस इज़ मैक्सिको। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात बोलते हैं कि मुझे वॉल बनाना है, तो वो यहीं वॉल बनाने की बात करते हैं इस वाले रीजन में, ये वाला। ठीक है, क्योंकि मैक्सिको से जो इन्फ्लक्स होता है उसकी वजह से, मैक्सिको का जो पर कैपिटा है या फिर जीडीपी है वो इतना नहीं है जितना यूएसए का है, तो यहाँ पे रोजगार की क्राइसिस है, तो यहाँ से लोग यहाँ जाते हैं, यूएसए जाते हैं, और वो भी यहाँ पे ओपन बॉर्डर्स हैं तो ऐसे एंट्री मार लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे इवन दूसरे कंट्री, लेट्स से कि बांग्लादेश या इंडिया से कोई इंसान जाना चाहता है यूएसए, तो वो पहले कहाँ जाएगा, मैक्सिको जाएगा, फिर मैक्सिको से यहाँ पे इलीगल तरीके से एंट्री मार लेते हैं, फिर यूएसए में रह के रोज़गार ढूंढते हैं। तो इन सबको बंद करने के लिए ही तो डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कैंपेन चलाया था कि मैं यहाँ वॉल बनवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, विच कंट्री हैज़ अप्रूव द सेल ऑफ 13 MK-45 नेवल गन्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट टू इंडिया। तो अभी एक कंट्री है जिसने कि नेवल गन्स हैं जिनका नाम 13 MK-45 है, ये 13 इज अ नंबर और इसमें MK-45 उस जो बंदूक है उसका नाम है, गन का नाम है, और उसके उससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट हैं उन सब की भी सप्लाई की जाएगी। तो इसे अप्रूवल के लिए भी जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उसको रिकमेंड किया है अपनी कांग्रेस को कि ऐसा हम करने जा रहे हैं। तो वो कंट्री है इंडिया, तो इंडिया को बेचने जा रहे हैं यूएसए वाले, तो यूएसए ऑप्शन डी। यूएसए के बारे में पता ही होगा, इनकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, डीसी डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि आप देखेंगे जस्ट ईस्टर्न पोर्शन है, जैसे कि दिस इज नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में ये वाला यूएसए का पोर्शन है, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे पड़ता है डीसी, वॉशिंगटन डीसी। और ये जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे, ये पहले प्रेसिडेंट थे इनके। ओके, तो क्वेश्चन जो 12 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13 है, यूआईडीएआई प्लान्स टू सेटअप हाउ मेनी आधार सेवा केंद्र इन 53 सिटीज अक्रॉस कंट्री। तो एक संस्था है जिसका नाम है UIDAI, तो इसका मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये एक आपको कार्ड देते हैं जिसको आधार बोला जाता है। आधार का बेसिक हिंदी में वर्ड, इसका मीनिंग निकालेंगे तो बेस मतलब आपकी जो एग्जिस्टेंस है एज अ सिटीजन, उसका बेस क्या है। बेसिस के लिए आपको एक नंबर दिया गया है कि जिससे रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि आप उस कंट्री के रहने वाले हैं। तो उसमें जो नंबर्स होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है, और 12 क्या है, न्यूमेरिक हैं वो सारे। पैन कार्ड में क्या होता है, पैन कार्ड में अल्फा न्यूमेरिक होते हैं,
ओके, तो ये न्यूमेरिक में इनसे ही आपकी आइडेंटिटी फिक्स की गई है। अब इसके जो रेगुलेट करता है वो एक जो अथॉरिटी बनाई गई है वो है UADIA। अब जो शुरुआत में जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, तो इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब कैबिनेट ने बस एक पास कर दिया रिजोल्यूशन और बोल दिया कि ऐसी हम संस्था बनाने जा रहे हैं, और वो बना दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने इसे स्कीम्स के साथ लिंक किया, तो फिर लोगों ने क्वेश्चन किया कि इसकी वैलिडिटी क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव नहीं किया है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या पार्लियामेंट में एक्ट लाना पड़ा। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, ये ट्विस्ट है कि पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी थी लेकिन अब क्या बन गई, जैसे पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ देन वो स्टेटूटरी बॉडी बन गई। तो आपसे कभी पूछ सकते हैं कि UADIA ये स्टेटूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस टाइप की बॉडी है? तो आपको बोलना है ये स्टेटूटरी बॉडी, क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट से पास हुई है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि आधार सेवा केंद्र, मतलब कि आधार में आपको चेंज कराना है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे सेवा केंद्र बनाने की बात हो रही है। अब एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि जो UADIA है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी इंडस्ट्री, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। अब इसमें बोला है कितने सेवा केंद्र बनाने हैं उन्हें, तो पहले ये 53 सिटीज़ में बनाने हैं और ये बनाने हैं 144 टोटल। तो क्वेश्चन 13 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव अरुंधति स्कीम। तो अरुंधति स्कीम को किस स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है? तो ये स्कीम क्या है पहले इसे देख लेते हैं। जो मैरिज होती है इंडिया में उसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट होता है, जैसे बोलते हैं कन्यादान, जिसमें जो लड़की होती है उसको कुछ कन्या के मतलब फैमिली की तरफ से एक दान दिया जाता है, उसे कन्यादान वर्ड बोल दिया जाता है। हिंदी में से कन्यादान बोलते हैं और शायद इंग्लिश में भी कन्यादान ही बोलते हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है इंग्लिश में क्या है, लेकिन कन्यादान ही शायद इसे बोलते हैं। तो कन्यादान जो बोलते हैं इसके लिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है, मतलब एक गवर्नमेंट है जिसे बोलते हैं आसाम, आसाम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक तोला, एक यूनिट चलती है जो कि लोकली लोग यूज़ करते हैं, जिसमें अराउंड 11 ग्राम्स होते हैं, मतलब 11 ग्राम अराउंड वेट होता है उसमें। तो इतना गोल्ड देगी गवर्नमेंट जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनकी बेटियों को मैरिज में। ठीक, तो ये वाला जो ये आसाम की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तो ये स्कीम का याद रखना अरुंधति। तो कौन सी गवर्नमेंट है? आसाम की गवर्नमेंट। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। 15th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी अवार्डेड विद द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी 2019। तो 2019 में सस्टेनेबिलिटी मतलब कि जैसे यहाँ पर है कोई चीज़ तो उसी लेवल पर है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। और इसका एक और इम्प्लीकेशन होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना इज ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी। आजकल डेफिनेशन चेंज हो गई है इसकी। तो इसके लिए एक अवार्ड दिया जाता है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है। तो वो किस कंपनी को दिया गया 2019 के लिए, जिन्होंने कि कम एमिशन किया या फिर इन्वायरमेंट को सबसे कम लॉस किया है उसके लिए ये बेसिकली नवाजे गए हैं। तो वो दिया गया है NTPC को, क्योंकि NTPC ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और एफिशिएंट मशीनरी का यूटिलाइजेशन किया है, जिससे कि जो पहले वो करते थे जितना एमिशन उससे कम किया उन्होंने। तो ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, NTPC इज करेक्ट आंसर, 15 का ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसके साथ ही आज के करंट अफेयर खत्म होते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे डाउटनेट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर प्लीज़ विजिट करिए। आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।